हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रश्मि वालोटियाज क्लासेज। पीछे के क्लास में हम लोग ने क्लास 7 के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के को देखा था, और जिसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। और आज हम देखेंगे उसके बचे हुए पार्ट को, यानी पार्ट 2 को, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एक ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है किसी फूड के लिए, और उसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्या है, इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन। तो चलते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसका लेना, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तब वो प्रोसेस पूरा होता है। कौन सा प्रोसेस, तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन का लेना किसी फूड से। ब्रीफली, देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अगर हम अच्छे से समझें तो मेन 5 स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, जिनके द्वारा वे फूड को, न्यूट्रिशन को ले पाते हैं। जिसमें फर्स्ट वन इज इंजेशन एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज इंजेशन। इन मतलब लेना। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विद द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम लोग किसी कैसे खाते किसी भी फूड को, तो वो माउथ से खाते हैं, और जब माउथ से खाते और वहाँ से न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज डाइजेशन। द इनडाइजेस्टेड फूड इज सॉलोड एंड इंटर्स द एलिमेंट्री कैनल। डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेज। डाइजेशन क्या है, यह इनडाइजेस्टेड फूड जो क्या होता है, निगल लिया जाता है, और वो इंटर कहाँ कर जाता है, वो एलिमेंट्री कैनल में। और व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनल, यहाँ देख सकते हो आप, एलिमेंट्री कैनल, द ट्यूबुलर पासेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एक ट्यूबुलर पासेज है, यानी कि ट्यूब के जैसा एक रास्ता है, जो कि माउथ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है, जहाँ से कि एनस वह जगह है जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। और डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, जो कि सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में टूट जाता है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह किसके द्वारा ले लिया जाता है, ब्लड के द्वारा, और सेल से और भी अदर पार्ट्स के पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज आइदर स्टोर्ड और यूज्ड बाय द बॉडी टू जनरेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी एंड टू रिपेयर वन आउट टिश्यूज। और एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, क्या तो वह स्टोर हो जाता है, या कुछ फूड से क्या होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है जो कि ग्रोथ के लिए, बोन टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होती है, उसमें वह काम करती है। थर्ड वन इज मीन्स लास्ट इंजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द लास्ट स्टेज बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन।
और जो लास्ट प्रोसेस होता है जिसे क्या बोलते हैं इंजेशन, इसके द्वारा क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो हमारे बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। लेट अस स्टडी अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। ये तो हमने एक शॉर्ट ब्रीफ देखा कि ये प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन होता है सबसे पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। लेकिन ये प्रोसेस जो होते हैं उनमें और कौन से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भाग लेते हैं जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन लेती है और हमारे को एनर्जी मिलती है, हमें ग्रोथ मिलती है और कुछ फूड जो होता है या कुछ जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है। आइए इसे हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं। इंजेशन ऑफ फूड ऑकर्स थ्रू द माउथ, टीथ एंड टंग हेल्प इन इंजेस्टिंग फूड। हमने पीछे देखा कि इंजेशन मतलब लेना, तो सबसे पहले हम लोग फूड किसके द्वारा लेते हैं, तो माउथ के द्वारा लेते हैं, और माउथ के द्वारा तो ले लिए, वो तो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ। लेकिन उसमें जो माउथ होता है उसमें क्या क्या होते हैं, टीथ और टंग होते हैं जो कि इंजेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, उसको लेने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले टीथ, टीथ का क्या रोल होता है एक फूड को जब हम लोग इनटेक करते हैं अपने अंदर, तो फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। जब हम लोग फूड को लेते हैं, च्यूट करते हैं, मतलब चिबाते हैं किसकी सहायता से, टीथ की सहायता से, तो टीथ उसको क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसे डाइजेशन में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन। क्यों? क्योंकि फूड क्या हुआ, इसमें एक मशीनरी की तरह काम किया, वो वर्क किया उसमें, तो उसमें क्या हुई हमारी एनर्जी लगती है। बोलते हैं ना कि कुछ कड़ी चीज़ खाते तो मुंह में दर्द होने लगा, दांत में पेन होने लगा, क्यों? क्योंकि वहाँ मैकेनिकल एनर्जी काम करती है। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। ठीक है, एक वंडर है, आइए देखते हैं क्या वंडर है। टीथ आर कवर्ड बाई अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड इनामिल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। टीथ किससे कवर्ड होता है, एक वाइट सब्सटेंस से। देखते हैं सारे सबके क्या होते हैं, टीथ वाइट होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी के ब्लैक होते, किसी के ब्राउन होते हैं। वो सब्सटेंस क्या होता है, इनामिल होता है, और ये जो इनामिल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। देयर आर टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ कितने तरह के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, सेकेंड केनाइंस, थर्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स किन्हें कहते हैं, दीज टीथ आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ द माउथ एंड आर शेप्ड लाइक चीसल फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। देयर आर अ टोटल ऑफ 8 इंसीजर्स। फिगर 1.2.4 में हम लोग आगे की स्लाइड में डायग्राम इसका देखेंगे। और इंसीजर्स क्या होते हैं, ये फ्रंट के टीथ होते हैं जो कि इनका शेप कैसा होता है, चीसल के जैसा, छेदी के जैसा, जो कि किसी चीज़ को काटने का काम करता है, कटिंग और बाइटिंग ऑफ फूड। और देयर आर कितने इंसीजर्स होते हैं, 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। केनाइंस, दे आर शार्प टीथ फाउंड नेक्स्ट टू द इंसीजर्स। केनाइंस आर शार्प एंड हैव पॉइंटेड एंड्स which help to tear and pierce the food. There are a total of 4 canines, 1 canines on either side of the incisors. और canines क्या होते हैं, ये sharp teeth होते हैं जो कि incisors के just बाद होते हैं, और ये जो होते हैं इनकी pointed sharp होती है जो कि किसी भी food को tear और pierce कर देती है, मतलब उसको चीर फाड़ करती है। और कितने केनाइंस होते हैं, 4 होते हैं जो कि इंसीजर्स के जस्ट साइड में होते हैं, यानी दोनों इंसीजर्स के, यानी 4 जो इंसीजर्स ऊपर होते हैं उसके एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, फिर नीचे के भी पार्ट में एक राइट में और एक लेफ्ट में, यानी 4 होते हैं। प्रीमोलर्स, दीज आर ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर्स टीथ यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड पार्टिकल्स।
देयर आर अ टोटल ऑफ 8 प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स क्या होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर स्थित होते हैं, जो कि फूड को क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं फूड पार्टिकल्स को। और कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 8 होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, केनाइंस के जस्ट बगल में, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर्स, दीज आर फाउंड एट द बैक ऑफ द जॉ, दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सर्फेस एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स। मोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग फूड पार्टिकल्स, देयर आर अ टोटल ऑफ 12 मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं, ये बैक ऑफ द जॉ मतलब जो जबड़ा होता है हम लोग का पीछे का, वहाँ पाए जाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट और ब्रॉड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग रूट्स में होते हैं। और ये किस काम में आते हैं, ग्राइंडिंग या च्यूइंग में, किसी चीज़ को बोलते हैं ना पीसना और चलाना, इसके काम में आते हैं। और कितने होते हैं, 12 होते हैं, ओके। और नेक्स्ट हम लोग डायग्राम में और अच्छे से इंसिजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स को जानेंगे, ओके। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट टूथ इन इन्फेंट्स इज कॉल्ड टीथिंग। इन्फेंट्स स्टार्ट टीथिंग व्हेन दे आर अबाउट 4 to 7 मंथ्स ओल्ड। जब इन्फेंट्स क्या हुए, जो तुरंत बच्चे जो जन्म होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनमें जब पहला टीथ आता है तो क्या बोलते हैं, टीथिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। और उनके कब होते हैं, 4 to 7 मंथ्स के जब वो होते हैं, तब उनमें टीथ आना स्टार्ट होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ फॉर्म इज कॉल्ड टेम्प्रोरी टीथ और मिल्क टीथ। एट 6 ईयर्स ऑफ एज द टेम्प्रोरी टीथ स्टार्ट फेलिंग ऑफ ग्रेजुअली मेकिंग वे फॉर द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। और जो फर्स्ट 20 टीथ आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टेम्प्रोरी टीथ और मिल्क टीथ। और आफ्टर द 6 ईयर्स हमारे जो टीथ होते हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। और फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बींग हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ। द अपर एंड लोअर जॉ इन द माउथ हैव 16 टीथ ईच। देयर आर 4 इंसीजर्स, 2 केनाइन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जो। और बोला जा रहा है कि हमारे जो एडल्ट ह्यूमन बींग में कितने टीथ होते हैं, 32, सेट ऑफ 32 टीथ, अपर एंड लोअर जॉ, जिनमें अपर में 16 और लोअर में 16। और ईच जॉ में क्या होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 केनाइंस, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स होते हैं ईच जॉ में, जो कि फिगर 2.7 में हम लोग अच्छे से देखते हैं। आइए नेक्स्ट में अब देखते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे जो हम लोग 4 टाइप्स ऑफ टीथ देखा था उनके हम लोग डायग्राम को, पिक्चर को देखेंगे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट व्यू है इनका, मतलब आगे से दिखाया जा रहा है। ऊपर के पार्ट को क्राउन बोलते हैं और नीचे के पार्ट को रूट, सारे में ऐसे क्राउन रूट, क्राउन रूट, क्राउन, और ये नीचे का पार्ट इसका रूट, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये बनाने भी आए डायग्राम, इसलिए हैव यू प्रैक्टिस नाइसली, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ हम लोग देखेंगे पूरे जॉ का जो डायग्राम है वो। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द लोअर जो ऑफ द माउथ, लोअर जो में जो अरेंजमेंट होता है टीथ का वो हम लोग देखेंगे। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे पहले क्या होते हैं, इंसीजर्स, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, केनाइन होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्रीमोलर्स, ठीक है। और ये होते हैं मोलर्स, ठीक है। आई होप दैट यू हैव लर्न ऑल द टाइप्स ऑफ टीथ विथ देयर वर्क। नेक्स्ट आइए, यहाँ साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। मैंने लास्ट के वीडियोज में भी बताया था स्टूडेंट्स कि साइंस इन कॉन्टेक्स्ट को जरूर देखना चाहिए, ये आपके नॉलेज को और बढ़ाता है। द एलोइंग ऑफ टीथ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मेनी पीपल इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लक। डेंटल प्लक इज फॉर्म्ड व्हेन द फूड पार्टिकल स्टक इन द टीथ मिक्स विथ बैक्टीरिया।
Sugar from the sweets, chocolates and other food is used by the bacteria present in our mouth to form acids which affect the teeth. The cow's tooth decay and leads to the formation of a hole called cavity. The only way to avoid a tooth cavity is to brush your teeth twice a day and floss regularly. बोला जा रहा है कि जो हमारा टीथ है वो येलो कलर का क्यों दिखता है और उसके फॉर्मेशन में क्या है, वो कारण क्या होता है, डेंटल प्लग. डेंटल प्लग कब फॉर्म्ड होता है, जब हम लोग कुछ खाते हैं और कुछ फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं हमारे टीथ में और वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर वो सड़ जाते हैं, तो उन्हें हमें वही हमारे येलोइंग टीथ के रीजन हो जाते हैं. और शुगर जो होती है वो ये येलो जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, तो जो स्वीट्स हम लोग खाते हैं उससे जो शुगर होती है, चॉकलेट से शुगर होती है या अदर फूड से जो भी होते हैं, वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड जनरेट करते हैं और ये हमारे टीथ को अफेक्ट करता है. और इससे हमारे क्या होते हैं, दांत जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, गिरने लगते हैं, टूथ कैविटी भी हो जाती है. हम लोग बोलते हैं ना कि कैविटी हो गई, यानी कि दांत खराब होने लगते हैं. तो इस कैविटी से बचने का क्या उपाय है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस रेगुलरली, यानी कि एक दांत करने का फ्लॉस आता है जो कि धागे से बना होता है, उसे भी रेगुलरली करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अब पहला हम लोग ने देखा कि पहले जो इंजेशन होता है, सबसे पहला रोल किसका होता है उसमें, माउथ का. और माउथ में सबसे पहला रोल किसका होता है, टंग, टीथ का. यहाँ हम लोग देखेंगे टंग. द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गेन. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विथ स्लाइवा एंड देन स्वेलिंग इट. इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज प्रेजेंट इन द फूड. टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड अराउंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द टंग कॉल पेपेलिया. दीज स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्टेज लाइक सॉल्टी, सॉर, बिटर, स्वीट. टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल से बना होता है. और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हम लोग जो फूड ले रहे हैं उसको स्लाइवा में मिक्स करके निगलने में हेल्प करता है. और इसी से हमें पता भी चलता है टंग से कि फूड कैसा है. और इसके अराउंड में स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अपर साइड में, जिसे क्या बोला जाता है, पेपिलिया बोला जाता है. और ये जो स्ट्रक्चर होता है वही डिटेक्ट करता है कि फूड हमारा सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है और स्वीट है, मतलब खट्टा है, मीठा है और मिर्ची लग रही है और हमें नमक ज़्यादा लग रहा है. ये जो पेपिलिया होता है वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आइए नेक्स्ट और देखते हैं. फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होता है इंजेशन के बाद, डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स वेरियस ऑर्गन्स विच कलेक्टिवली फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट अस लर्न हाउ दीज ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट. जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का ह्यूमन बींग्स में, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हें कलेक्टिवली हम लोग इनको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं ये भी जानेंगे और एक डायग्राम से इसे और देखेंगे. द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाथवे बाय विच फूड इंटर्स द बॉडी एंड सॉलिड वेस्ट आर एक्सक्रीटेड. जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है या एलिमेंट्री कैनाल, जैसा पीछे हम लोग ने पढ़ा था, यह क्या होता है, एक टेबुलर पासेज होता है जो कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस होता है. वो हमारे फूड को इंटर करता है कहाँ, बॉडी में, और सॉलिड वेस्ट को कहाँ क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है. यहाँ देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, सबसे पहले माउथ और ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ से स्लाइवा रिलीज होता है, ऑसियोफेगस जिसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, जहाँ से फूड इंटर करता है बॉडी में,
फिर लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, गोल ब्लडर, ये सारे जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनका फंक्शन हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। माउथ का तो आपने देख ही लिया है, फूड पाइप का देख ही लिया कि फूड पाइप से फूड बॉडी के अंदर जाता है। और ये डायग्राम भी आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट, द पाथवे टेक्स द फॉलोइंग रूट। बकल कैविटी, व्हाट इज द बकल कैविटी? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ और द बकल कैविटी। द फूड इज च्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज द कॉल मास्टिकेशन। बकल कैविटी क्या होती है? जो हम लोग फूड खाते हैं और जो टीथ के द्वारा उसका प्रोसेस पूरा होता है चिबाने का, तोड़ने का, वो सारी मिलके क्या कहलाती है? बकल कैविटी कहलाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मास्टिकेशन कहलाता है। और ये होता है कैसे? सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। द टंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। द सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस दैट बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। वंस द फूड इज च्यूड इट फॉर्म्स अ बोलस विच कैन बी ईजली स्वॉलोड। और सलाइवा कहाँ से सेक्रेटेड निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और सलाइवरी जो ग्लैंड है वो कहाँ होती है? तो वो माउथ के अंदर होती है। और वो क्या करता है? टंग के हेल्प से फूड उससे मिक्स हो जाता है सलाइवा से। और सलाइवरी ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस भी सेक्रेट होती हैं जो कि फूड के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। और एक बार जब फूड च्यू किया जाता है, मतलब चिबाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है, यानी कि और फिर वो ईजिली हम लोग के द्वारा निकल लिया जाता है। बोलस, व्हाट इज बोलस? स्मॉल सॉफ्ट राउंड मास ऑफ च्यूड फूड, मतलब वो ग्रास बन जाता है। द फूड मिक्स विद द सलाइवा हेल्प्स इन द ईजी पासेज ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड इन हाई क्वांटिटीज। वी कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। और फिर क्या होता है कि सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के द्वारा और वह अच्छे से पास हो जाता है कहाँ? ओसोफेगस से हमारे स्टमक में। और क्या होता है फिर? जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, और जो प्रेजेंट कहाँ होता है? फूड में हाई क्वांटिटीज में, वो सलाइवा में मिक्स हो के हमारे बॉडी में जाता है और स्टमक में पहुंचता है। इसे एक एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम ये स्टार्च होता है फूड में। आइए नेक्स्ट, यहाँ क्या एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का एम क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। सलाइवा का इफेक्ट क्या होता है फूड पे। और इसके लिए मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड है? बॉइल्ड राइस, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, बेनेटिक्स रिएजेंट। और इसका प्रोसीड्योर क्या है? टेक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। पुट 1 teaspoonful ऑफ बॉइल्ड राइस इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड 1 teaspoon ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग फॉर 3 to 5 minutes इन टेस्ट ट्यूब बी। मीन्स कि उसमें सलाइवा मिक्स हो गया है, किसमें? टेस्ट ट्यूब बी में जो राइस है। एड 3 to 4 milliliters ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यूज अ ड्रॉपर टू एड 3 to 4 drops ऑफ बेनेटिक्स रीएजेंट इन टू द बोथ द टेस्ट ट्यूब। हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर 10 minutes इन अ वाटर बाथ। यहाँ क्या? टेस्ट ट्यूब 1 A B, ठीक है, बॉइल्ड राइस विथ वाटर, च्यूड राइस विथ वाटर। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? बॉइल्ड राइस, वाटर एंड बेनेटिक्स रीएजेंट आफ्टर हीटिंग। च्यूड राइस विथ वाटर एंड बेनेटिक्स रीएजेंट आफ्टर हीटिंग। क्या हो रहा है यहाँ? कलर चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, इन द टेस्ट ट्यूब ए देयर इज नो कलर चेंज इन द सॉल्यूशन। इन टेस्ट ट्यूब बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्रिक रेड। और टेस्ट ए में क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज नहीं हो रहा, टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज हो रहा है। यानी कि यह क्या शो कर रहा है कि चावल जब हम लोगों ने चिबाया तो इसके साथ कुछ मिक्स हो गया। तो क्या मिक्स हो गया? तो बेनेट्रिक्स रीएजेंट जो हम लोग ने यूज किया, उस वो किस चीज़ के प्रेजेंस को ब्रिक करके रेड कर देता है? वो शुगर के प्रेजेंस को। तो कंक्लूजन क्या निकला?
Benedict's reagent turns brick red if sugar is present in a solution. As saliva breaks down the starch present in food into simpler sugars, the test for sugar is positive in the test tube B. Okay, student? आपको समझ में आई ये एक्टिविटी? आप फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे और तब जानेंगे कि ये क्या एक्टिविटी, और एक्टिविटी भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है. आपको एक्टिविटी भी आ सकती है कभी लिखने, इसलिए कभी भी एक्टिविटी को नहीं छोड़ें. फिर क्या है ऑसोफेगस? इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. व्हेन द मसल्स इन इट्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट, दे प्रोड्यूस अ वेव लाइक मोशन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोलेसिस. फिगर 2.9 में हम देखेंगे. इट हेल्प्स टू पुश डाउन द फूड इनटू द स्टमक. द फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बकल कैविटी थ्रू द ऑसोफेगस इनटू द स्टमक. द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट. ऑसोफेगस जो कि कहाँ था, सलाइवरी ग्लैंड के नीचे था, जो कि क्या हेल्प करता है और कैसा होता है, वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके मसल से जब फूड टकराता है तो उसमें एक वेव या एक मोशन, वेव लाइक मोशन होता है, जिसे हम लोग इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट बोलते हैं. और ये क्या करता है, फूड को नीचे की ओर पुश करके स्टमक तक पहुंचा देता है. और फिर क्या होता है, ये बकल कैविटी के थ्रू ये ऑसोफेगस से कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है. और फूड का जो मूवमेंट है डिफरेंट पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल्स में जो हैपन होता है, तो इससे ये क्या होता है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट. इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिक मूवमेंट बोलते हैं. यहाँ क्या, फ्रॉम माउथ ऑसोफेगस है ये, और ये क्या है, फूड है हमारा, और ये कहाँ जा रहा है, स्टमक में. तो इसके जो वॉल है इसी में मूवमेंट होता है और ये इसको नीचे की ओर पुश करता है. ओके, देन साइन कॉन्टेक्स्ट. फिर क्या आ गया, साइंस कॉन्टेक्स्ट. अ स्मॉल फ्लैप लाइक ऑर्गेन इपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया एंड चैनल्स इनटू द ऑसोफेगस. That is why when you try to talk with your mouth full, you after चौक. ये क्या कह रहा है कि हमारे जो गले में, अगर इजी में आप समझना चाहें तो गले में जब हम लोग फूड लेते हैं अंदर, तो दो पाइपलाइंस होती हैं. एक क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती हैं जिसे फूड पाइप बोलते हैं, और एक क्या होती है, विंड पाइप होती है. ठीक है, और ये क्या होती, और वहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैप लाइक ऑर्गेन, मतलब वो खुलता है और बंद होता है. ठीक है, इपिक्लॉटिस जो हम लोग को क्या करता है, जिसे क्या बोलते हैं, इपिक्लॉटिस, और ये हम लोग को प्रिवेंट करता है जब हम लोग फूड खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में ही जाता है, वो हमारे विंड पाइप में नहीं जाता है. इसी के कारण जब हम लोग फूड खाते तो ये फ्लैप बंद हो जाता है विंड पाइप के ऊपर, और हमारा जो फूड है वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है. और फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया एंड चैनल्स इनटू द ऑसोफेगस. ओके, और जब इसलिए बोला जाता है कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए, अगर कभी आप पूरे मुंह से खाएंगे, पूरे मुंह को फुल करके, तो क्या होगा, आपका गला चौक हो जाता है, यानी कि कुछ खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, तो आपको खांसी आने लगती है, फिर सब बोलते पानी पियो. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्टमक, अब फूड कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया. स्टमक इज अ मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गेन. द इनर लाइनिंग्स वॉल ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डाइजेस्टिव जूसेस. और स्टमक क्या होता है, एक मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गेन, मतलब मसल से बना हुआ एक थैली के समान ऑर्गेन होता है, जिसके इनर वॉल पे क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रोब्स दैट इंटर विथ फूड. द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स.
The gastric mucosa helps keeps the inner wall of the stomach safe from the harmful effects of the acids. और इसमें तीनों का क्या काम होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो किस चीज को किल करते हैं? माइक्रोब्स को जो हमारे फूड के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं. फिर डाइजेस्टिव जूसेस फूड डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. और गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारे जो स्टमक के जो इनर वॉल है उसको सेफ रखता है जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं उनसे. गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या? स्टिकी एंड स्लिमी लेयर ऑफ सेमी सॉलिड सेक्रेशन दैट हेल्प्स इन द इजी मूवमेंट ऑफ द फूड. फूड के मूवमेंट को वो इजी बनाता है, मतलब एक लाड़ के जैसा होता है वो. द फूड दैट इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम द पासेज इन टू द स्मॉल इंडस्टाइन. और जो पार्सली डाइजेस्ट मतलब थोड़ा भी डाइजेस्ट हुआ, पूरा उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वह क्या कहलाता है? चाइम. और फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंडस्टाइन में जाता है. अब कहाँ गया फूड? लीवर. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट प्रोड्यूसेज बाइल जूस दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूसेज स्टोर्ड इन अ स्मॉल सेक लाइक ऑर्गेन बिलो द लीवर कॉल्ड गॉल ब्लडर. गॉल ब्लडर. द बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लडर इज सेक्रेटेड इन टू द स्मॉल इंडस्टाइन. फिर इसके बाद फूड कहाँ गया? लीवर में गया. और ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का और ये एक बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और वो फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है. और ये यहाँ पर स्टोर्ड हुआ स्मॉल सेक लाइक ऑर्गेन. ऑर्गेन बिलो द लीवर कॉल्ड गॉल ब्लडर में ये स्टोर हो जाता है बाइल जूस. और फिर बाइल जूस क्या करता है? जो स्टोर हुआ गॉल ब्लडर में वो सेक्रेटेड कहाँ हो जाता है? कहाँ जाके वो निकलता है? स्मॉल इंडस्टाइन में वो सेक्रेट हो जाता है. फिर स्मॉल इंडस्टाइन. फिर कहाँ आ गया फूड? स्मॉल इंडस्टाइन. बाइल जूस हेल्प इन द ब्रॉक डाउन ऑफ फैट इन द फूड प्रेजेंट इन द स्मॉल इंडस्टाइन. द पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज कंटेंस डाइजेस्टिव जूसेस सच एज ट्रिप्सिन एमाइलेज एंड लाइपेज विच कन्वर्ट स्टार्च प्रोटीन्स एंड फैट्स इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स रिस्पेक्टिवली. फिर ये बाइल जूस कहाँ आया? स्मॉल इंडस्टाइन में. और वो किस चीज़ में हेल्प करता है? फैट जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने में. और फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक जो जूस होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं? तो पैनक्रियाज से, जो कि डाइजेस्टिव जूस जैसे ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज को कंटेन करते हैं और स्टार्च को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं. स्टार्च प्रोटीन और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड रिस्पेक्टिवली इसमें कर देते हैं. यानी स्मॉल इंडस्टाइन में क्या हुआ? जो फूड पार्टिकल्स है उसमें से जितने भी प्रोटीन हैं और फैट्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट गए और उनसे ग्लूकोज एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स हमारा आ गया. हियर द फूड बीइंग एक्ट अपॉन द डाइजेस्टिव जूसेस इज इन द लिक्विड फॉर्म. मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंडस्टाइन. और यहाँ जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. और ज़्यादा फूड जो डाइजेस्ट होता है कहाँ? वो होता है स्मॉल इंडस्टाइन में होता है. चलिए आगे देखते हैं और क्या है. अभी तक हम लोग ने देखा कि स्मॉल इंडस्टाइन में ज़्यादा से फूड का डाइजेशन हो जाता है. अब क्या प्रोसेस होता है? एब्जॉर्प्शन. देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई सिंगुलर विलस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंडस्टाइन. फिगर 2.10 में हम लोग देखेंगे. दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. Each villus has a network of blood vessels to absorb the nutrients in the digested food. फिर क्या होता है कि जो small intestine की inner wall होती है उसमें finger like projections होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? villi बोला जाता है. और उसके singular form को क्या बोलते हैं? villus बोलते हैं. और इस जो villi होती है वह surface area को inner wall के इंक्रीज कर देती है फूड के डाइजेशन के लिए.
और फिर क्या होता है कि ये जो वायरस होता है वो एक नेटवर्क के थ्रू ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है, और वो फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देता है। यहाँ फिगर में और हम लोग देखेंगे, विलाई ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंडस्टाइन। स्मॉल इंडस्टाइन के अंदर क्या है ये देख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, और यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखा गया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए, जिसे विलाई बोला जाता है, और ये फूड के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके ब्लड वेसल्स तक पहुँचा देते हैं। एंड एसिमिलेशन, दिस हैपेंस इन ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग द सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस बाई विच डाइजेस्टेड फूड रीचिंग द सेल्स थ्रू द ब्लड आइदर कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स नेसेसरी फॉर देम और इज यूटिलाइज फॉर देयर एक्टिविटीज। ग्लूकोज विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। और एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वह इसमें जुड़ हम लोग के डाइजेशन में जुड़ी होती है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से ही जो फूड पाइप होती है उसी से फूड अंदर आता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है वो कुछ तो हम लोग की बॉडी यूज हो जा कर लेती है, और कुछ जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग के आगे के एक्टिविटीज में काम देता है। फिर और फाइनली क्या होता है, ग्लूकोज जो कि फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो उसका वो ब्रॉक डाउन हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। फिर वो ब्रॉक डाउन हो जाता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से, किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट मटीरियल रिलीज हो जाता है, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं क्या है। एक्सेस ग्लूकोज और ग्लूकोज दैट इज नॉट यूज इमिडिएटली इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द लीवर फॉर यूज व्हेन नीडेड। एमिनो एसिड्स आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वॉर्न आउट सेल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरॉल आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड एनर्जी रिजर्व्स। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है जो कि हम लोग तुरंत यूज नहीं कर पाते हैं, वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब नीड होती है बॉडी को तब उसकी वह यूज करता है। और एमिनो एसिड्स जो है हमारे ग्रोथ और जो वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं, जो टूटी फूटी सेल्स हमारे अंदर जो भी टूट फूट होती है उनमें, उसको रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। और जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरॉल है वो स्टोर्ड हो जाता है कहाँ, स्किन के नीचे, और हमें एनर्जी देता है, वो एनर्जी रिजर्व्स के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन टू अ पार्ट कॉल्ड कोलोन, वेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड देन रिमूव्स टू द सेकेंड पार्ट कॉल्ड रेक्टम। हेयर इट इज स्टोर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। और लास्ट जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इजेशन। इजेशन में एक पार्ट कॉलोन होता है, दूसरा पार्ट रेक्टम होता है। सबसे पहले अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह कॉलोन में आता है, और वहाँ से भी कॉलोन कुछ वाटर और सॉल्ट उसमें से एब्जॉर्ब करके फिर उसे कहाँ भेज देता है, रेक्टम में। और रेक्टम में वह क्या होता है, फिर सारा फूड एक जगह स्टोर होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड हिट क्लिक द बेल आइकॉन ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।